तो आ गए आप, कैसे हैं आप सब। मैं विक्की और आप देख रहे हैं जानू की चौकी। तो गाइस यार, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी के नोट 9 प्रो के बारे में। जी हाँ, शाओमी कंपनी ने कल ही रेडमी के दो फ़ोन लॉन्च किए हैं, रेडमी नोट 9 प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। अब मुझे नहीं पता रेडमी नोट 9 कहाँ पर गया और ना ही इसका मुझे ये कोई जानकारी कि वो लॉन्च करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं इसके डिज़ाइन से। तो यार शाओमी कंपनी ने डिज़ाइन के मामले में थोड़ा हटके काम कर रही है। शाओमी कंपनी एक अपना अलग ही किलर डिवाइस बना रही है और इसी फ़ोन को भी उन्होंने किलर डिवाइस बनाया है। इनकी बहुत ही शानदार इसका डिज़ाइन बनाया है कि शाइनी शाइनी सा लगता है मतलब फ़ोन। ये फ़ोन 3 कलर वेरियंट में आता है, ब्लैक, ब्लू, वाइट, मतलब इन 3 कलर में। ब्लू कलर, ब्लू फ़ोन तो मतलब बहुत ही शानदार लगता है, शाइनी कलर में शाइनिंग आती है उसमें। और इसकी जो कैमरा सेटअप बीच में होने की वजह से ये और ही मतलब एक किलर से डिवाइस बन गया बीच में। इस कैमरों की सेटअप प्लेसमेंट मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, लगती है आपको पता नहीं कैसी लगती हो लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो यार वह 6.7 इंच की पंच होल डिस्प्ले, लेकिन इसकी डिस्प्ले में ना थोड़ी एक निराश वाली बात है ये कि एक IPS डिस्प्ले, ना एमोलेड है ना सुपर एमोलेड, या एक IPS डिस्प्ले, बस ये इसमें थोड़ी सी कमी हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, सब चलता है। और यहाँ पे बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो इसमें यार एक दमदार प्रोसेसर डाला गया, मतलब गेमिंग के लिए अच्छा प्रोसेसर है, मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं है लेकिन अच्छा प्रोसेसर है, कि जो कि पबजी को बहुत ही अच्छी सेटिंग पे चलाता है, इसको हाई सेटिंग पे चलाता है। इसमें प्रोसेसर के जो है ना 720G, मतलब प्रोसेसर को भी अब इज्जत से बोला जाता है 720G, मतलब जी लगा के प्रोसेसर को बोला जा रहा है। और इसमें GPU एड्रीनो का 618 इसका एड्रीनो है, और ये एंड्रॉयड 9.10 पे चलता है, लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 9.10 पे इसका ये रन करता है। और इसकी अगर कैमरों की बात करें तो इसमें यार 4 कैमरों का सेटअप दिया गया है, जो कि जिसमें 48 मेगापिक्सल, प्लस 8 मेगापिक्सल, प्लस 5 मेगापिक्सल, प्लस 2 मेगापिक्सल, ये तो आपको पता ही होगा, 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल, प्लस 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस, ये इसका कैमरा सेटअप है। इसके फ्रंट कैमरे की अगर बात करें तो वो 16 मेगापिक्सल का डॉट नोच के साथ आता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। बात करें इसकी सिक्योरिटी, तो इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, मतलब जहाँ पे पावर बटन होता है ना, पावर बटन पे इसका फिंगरप्रिंट है। और इसमें फेस अनलॉक भी, जो कि बहुत ही फास्ट काम करते हैं और सिक्योर रहे हैं काफ़ी। और इसकी बैटरी की बात करें तो यार इसमें 5020 mAh की बैटरी है, जो कि एक काफ़ी बड़ी बैटरी है, उसके दमदार फ़ोन बनाती है। लेकिन इसमें 18 वाट का फास्ट चार्जर दिया, 18 वाट का फास्ट चार्जर है, इसके हिसाब से इसमें लगभग 27 वाट या 30 वाट का फास्ट चार्जर होना चाहिए था, लेकिन 18 वाट का इन्होंने फास्ट चार्जर दिया। और इन्होंने रेडमी नोट 8 प्रो में 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया था, लेकिन इसमें 48 मेगापिक्सल का, पता नहीं मुझे क्यों दिया 48 मेगापिक्सल का, लेकिन जब प्रो फ़ोन है इससे रेडमी नोट 8 से प्रो है तो प्रो ही चीज़ होनी चाहिए थी सब। इसमें काफ़ी प्रो करे हैं लेकिन ये थोड़ा कैमरा सेटअप नीचे कर दिया है। बात करें इसकी कीमत की, तो यार 4 GB RAM प्लस 64 GB इंटरनल मेमोरी की कीमत 12,999, और अगर इसकी 6 GB RAM प्लस 128 GB इंटरनल मेमोरी की कीमत देखी जाए तो वो 15,999 है। इस हिसाब से ये फ़ोन एक किलर डिवाइस बनता है, मगर इसमें अगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले होती तो ये एक शानदार डिवाइस बन जाता अपनी रेंज के सभी स्मार्टफोन में, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। बस यही था इसमें मेरा, तो हो गया, बस आपका रह गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। देखी हो जे बड़ा दू देखी पुट्ठी मैं वगा दू कुड़े पौड़ देखी ओ स्कूल नितरा दी वाइब बल्ली ए नहीं ओ स्कूल इस करके आ हाइप बल्ली।